अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मटन कोफ्ता, बिल्कुल इजी और क्विक रेसिपीज़ के साथ। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे लेकिन खाने में बहुत ही यम्मी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। और रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो लेट्स स्टार्ट रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 kg मटन का जो कीमा है, इसे मैंने वहाँ से मशीन से करके लिया है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा मोटा है तो आगे मैं बताऊँगी कि हम क्या करने वाले हैं। मैंने धनिया पत्ती ले ली है, थोड़ा ज़्यादा ली है। मैंने 7 हरी मिर्चें ले ली हैं, 1/2 inch अदरक का टुकड़ा लिया है, 8 से 9 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 tablespoon ज़ीरा लिया है और 8 मैंने काली मिर्च ली है। अगर आप तीखा थोड़ा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। इनको हमने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद हमने मिक्सर जार में से अच्छे से पीस लेना है। ज़ीरा और काली मिर्च भी इसके साथ चली जाएगी। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और कीमे को भी करेंगे। वो करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने कीमे को भी बहुत बारीक कर लिया है और ये हमारी हरी चटनी के साथ भी मैंने थोड़ा कीमा पीस लिया था, इसलिए ग्रीन कलर का दिख रहा है। अब इसमें मैं 1/2 tsp हल्दी डालूँगी। हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। नमक 1.5 tablespoon डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है ना, हमें इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। तो कैसे हो जाता है ना कि जब इसमें हरी मिर्चें वगैरह होती हैं तो हाथ बड़ा जलता है हमारा, तो आपने क्या करना है, ग्लव्स वगैरह पहनकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें मटन में जो फैट्स होते हैं तो उसकी वजह से हमें इसमें ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। यह खुद ब खुद बहुत अच्छा सा और बहुत क्लीन सा गोल शेप बन जाएगा। देखिए, मैंने ऑयल वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है और कितना अच्छा सा हमारा सर्कल शेप बन गया है। इसी तरह आपने मीडियम साइज़ का, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, मीडियम साइज़ का बॉल बनाना है इसको। और जो हमारा कोफ्ता है, मटन बॉल है, इसी तरह से इन सब का आपने बना लेना है। ये देखिए, सब बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगी ना, 1/2 cup पानी ऐड कर दूँगी। पानी ये खुद अपना भी छोड़ेगा, लेकिन 1/2 cup पानी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए। पहले हम इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि ये हाई फ्लेम पे बॉईल आने के बाद हम इसका फ्लेम लो करेंगे। अब आप देख रहे हैं, मैंने इसे हाई फ्लेम पे रख दिया है। अब मैंने इसका फ्लेम कर दिया है लो। अब मैं इसे पकने दूंगी। देखिए, अभी भी थोड़ा पानी है, पानी सूख जाना चाहिए। अब ये बिल्कुल सूख चुका है। आप इसे प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, ये बहुत दिन चलता है और खाने में बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मटन कोफ्ते की रेसिपी है, ये आप इसे मटन बॉल भी बोल सकते हैं, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।